नमस्कार, आप जो रहा छो केटीवी न्यूज गुजराती अने हूँ आपनी साथे मनोज। तो चोमासानी विदाय बाद गुजरातना अनेक जिल्लाओं में छेल्ला केटलाक दिवसोथी वरसाद यथावत जोवा मळी रह्यो छे। तो एक बाजु मावठू पड़ी रह्यु छे त्यारे खेडूतोने पाक में नुकसान जवानी भीति पण सेवाई रही छे। तो डांग जिल्ला में पण सतत बीजा दिवसे वरसादी माहोल जोवा मळ्यो छे। वधई सहित अनेक विस्तारों में वरसाद सतत बीजा दिवसे वरसी रह्यो छे। तो वरसाद पड़ता खेडूतों में चिंता व्यापी छे। डांग वराई नागली तुवेर जेवा पाक निष्फळ जवानी भीति पण खेडूतों में सेवाई रही छे। तो डांग जिल्ला में पण वरसादी माहोल यथावत जोवा मळी रह्यो छे। वधई सहित अनेक विस्तारों में वरसादी माहोल जोवा मळ्यो। तो डांग जिल्ला में सतत बीजा दिवसे वरसादी माहोल यथावत। वधई सहित अनेक विस्तारों में वरसादी माहोल जाम्यो छे। तो एक बाजु चोमासु विदाई तरफ छे त्यारे सतत बीजा दिवसे पण वरसाद पड़ता खेडूतोमां चिंता व्यापी छे। डांग वराई नागली तुवेर जेवा पाक निष्फळ जवानी भीति पण खेडूतोमां सेवाई रही छे। तो वधई सहित अनेक विस्तारोमां वरसादी माहोल, खेडूतोमां पाक निष्फळ जवानी भीति सेवाई रही छे। डांગ જિલ્લામાં સતત બીજા દિવસે પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે। એક બાજુ સમગ્ર દેશભરમાં ચોમાસું વિદાય તરફ છે ત્યારે ફરી મેઘરાજાએ ધબધબાટી બોલાવી છે। ત્યારે સતત બીજા દિવસે પણ ડાંગ જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે। ડાંગના વરાઈ સહિત અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે। જો કે એક બાજુ ખેતરોમાં પણ પાક હવે तैयार थई चुक्या छे त्यारे खेडूतोमां पण भारे चिंता व्यापी छे। क्यां का मावठाना कारणे खेडूतोना पाक निष्फळ जाय तेवी पण भीति सेवाई रही है।